डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के कोर्स में हम प्रेडिक्शन वेरिएंस को स्टडी कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि स्केल्ड प्रेडिक्शन वेरिएंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल डिफाइन प्रेडिक्शन वेरिएंस। वी कैन राइट एज 1/σ² इंटू वेरियंस ऑफ वाई हैट एक्स इज इक्वल टू एक्स एम प्राइम इंटू कैपिटल एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इंटू एक्स एम, वेयर एक्स एम द लोकेशन ऑफ द डिजाइन पॉइंट। Why we need scaling? Why we need to scale prediction variance? We know that larger size variance optimal design has smaller variance of regression coefficients. For the comparison of designs of different sizes on the basis of prediction variance, it is better to scale the prediction variance. हम जानते हैं कि हम different designs को अगर compare करना चाहें तो उनके sizes मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि जो लार्जर साइज वाले डिज़ाइन हैं उनको एडवांटेज है कि उनका जो वेरिएंस है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का स्मॉलर होता है, तो इसलिए हमें स्केलिंग की ज़रूरत है ताकि कोई डिज़ाइन अपने साइज की वजह से एडवांटेज ना ले सके। नाउ द स्केल्ड प्रेडिक्शन वेरिएंस इज डिफाइंड एज n/σ² इंटू वेरियंस ऑफ वाई हैट एक्स इज इक्वल टू एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स एम प्राइम इंटू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स इंटू एक्स एम। तो स्केल्ड प्रेडिक्शन वेरिएंस में हमने जो प्रेडिक्शन वेरिएंस है उसको मल्टीप्लाई किया है एन से, दैट इज डिज़ाइन साइज। स्केल्ड प्रेडिक्शन वेरिएंस फॉर वेरिएंस ऑप्टिमल फर्स्ट ऑर्डर डिज़ाइन, तो यहाँ पे हम एक वेरिएंस ऑप्टिमल फर्स्ट ऑर्डर डिज़ाइन को कंसीडर कर रहे हैं। इसका स्केल्ड प्रेडिक्शन वेरिएंस n/σ² इंटू वेरियंस ऑफ वाई हैट एक्स इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स वन ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स इंटू एक्स वन, वेयर एक्स वन प्राइम is the location of design point that is denoted by 1 x1 x2 up to xk. We know that for the variance optimal design x transpose x inverse is equal to 1/n into identity matrix of order p, aur isko is value ko agar yahan put kare hum to x1 prime x1 ko hum multiply kar sakte hain, where n is cancelled with this n. Now 1 x1 x2 up to xk is multiplied with the column 1 x1 x2 up to xk, and this is equal to 1 plus sigma xi square. Isko hum 1 plus sigma x square ke sath denote kar sakte hain. Now the scaled prediction variance for optimal first order design for this rho x is the distance of the point that is x1 prime 1 x1 x2 up to xk. To is point se जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जा रहा है रो एक्स के ज़रिए फ्रॉम द डिज़ाइन सेंटर। अगर इस पॉइंट को हम डिज़ाइन सेंटर से बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस मेजर करें तो उसको रो एक्स के साथ हम डिनोट कर रहे हैं, वेयर स्केल्ड प्रेडिक्शन वेरिएंस इज वन एट द डिज़ाइन सेंटर। तो डिज़ाइन सेंटर के ऊपर स्केल्ड प्रेडिक्शन वेरिएंस वन होगा क्योंकि इसका जो ज़ीरो ज़ीरो के साथ डिस्टेंस मेजर होगा तो दैट विल रिटर्न वन, एंड द इट इंक्रीजेस एट द पॉइंट्स मूव दैट मूव अवे फ्राम द डिज़ाइन पैरामीटर। तो अगर हम डिज़ाइन सेंटर से अवे मूव करें, पैरामीटर की तरफ मूव करें, तो डिज़ाइन पैरामीटर की तरफ हमारा स्केल्ड प्रेडिक्शन वेरियंस डिज़ाइन का लार्जर होगा, और जो जो हम डिज़ाइन सेंटर की तरफ मूव करेंगे स्केल्ड प्रेडिक्शन वेरियंस स्मॉल होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम डिफरेंट साइज के डिज़ाइन को कंपेयर करना चाहें तो उन साइज़ को कंपेयर करने के लिए हमें प्रेडिक्शन वेरिएंस की स्केलिंग की ज़रूरत है, अदरवाइज जो लार्जर साइज के डिज़ाइन हैं उनको एडवांटेज होगा प्रेडिक्शन वेरिएंस में। इस एडवांटेज को ख़त्म करने के लिए हमने प्रेडिक्शन वेरिएंस को स्केल्ड प्रेडिक्शन वेरिएंस में कन्वर्ट किया है।